नमस्कार प्रिय दर्शकों, विजयदशमी को मध्य नजर रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको तीन ऐसे ब्रह्मास्त्र उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि विजयदशमी के सायंकालीन समय में आप कर लेते हैं, इन तीन में से कोई एक भी कार्य कर लेते हैं तो पूर्ण वर्ष के लिए मां जगदम्बा और भगवान श्री राम का रक्षा कवच आपको प्राप्त होता है। एक बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। हर व्यक्ति एक दूसरे के पैर खींचने में लगा हुआ है और जब विजयदशमी हो, दीपावली हो, होली हो, ऐसी स्थितियों में हमारे गुप्त और उजागर शत्रु कहीं ना कहीं हमें क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन सब स्थितियों से इन तीन में से कोई एक भी उपाय आप कर लेते हैं तो नकारात्मक दृष्टिकोण आपका जड़ से समाप्त होता है। किसी प्रकार का जादू टोना टोटका नजर इन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। गुप्त शत्रु उजागर शत्रुओं की बुद्धि का शमन होता है और वो हमारे लिए मित्रवत व्यवहार की गतिविधि को फॉलो करना चालू कर देते हैं। ये आजमाया हुआ वो ब्रह्मास्त्र उपाय है जो पूरे एक वर्ष तक आपको रक्षा कवच प्रदान करता है। क्या है, किस प्रकार करना है, बहुत ही सहज है, क्योंकि आपको पता है मैं सदैव प्रमाणित और बड़े ही सरल उपाय आपको बताने का प्रयास करता हूं जिसे कोई भी कर सकता है। विजयदशमी असत्यता पर सत्यता की विजय को दर्शाता है और नकारात्मक दृष्टिकोण के शमन को दर्शाता है। यही स्थिति हमें भी विजयदशमी के दिन अवश्य रूप से करनी चाहिए। क्या करना है, पहली स्थिति में विजयदशमी को सायंकालीन समय में एक पीले रंग का धागा आपको अपनी जितने लंबे आप हैं जमीन से लेकर मस्तक तक का लंबा धागा ले लेना है। श्री राम जय राम जय जय राम और इसी के साथ में ओम चामुंडायै विच्चे इस मंत्र के 11-11 बार जाप कर इस धागे को अपने सीधे हाथ में रखें और अपने घर के अंदर किसी भी सदस्य से अपने सीधे हाथ पर, अगर पुरुष हैं तो अपने सीधे हाथ पर और महिलाएं हैं तो अपने लेफ्ट हैंड पर इस धागे को बांधें और आशीर्वाद की कामना को ध्यान करें कि भगवान श्री राम ने जिस प्रकार असत्यता पर सत्यता की विजय करवाई, नकारात्मक दृष्टियों को आज शमन किया है, उसी प्रकार मुझे भी सदैव विजय प्रदान करें। मेरे शरीर में जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण है वो बाहर करें, सकारात्मक दृष्टिकोण मेरे शरीर में सदैव आपकी कृपा से बने रहें। आप देखेंगे बहुत अच्छी गतिविधि यहां देखने को मिलती है। अगर आपको बार बार नजर लगती है, बनते बनते कार्य रुकते हैं, गुप्त शत्रु कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, ये सूत्र रक्षा कवच की तरह आपके लिए कार्य करता है। बहुत अद्भुत रूप से इसके लाभ देखने को मिलते हैं और इसे जितने लंबे समय तक आप अपने हाथ में रखेंगे उतने लंबे समय तक ये रक्षा कवच आपके लिए कार्य करता है। वैसे धागे को बांधना एक साधारण गतिविधि है, किंतु विशेष दिवसों पर कोई भी कार्य यदि आप करते हैं ना, इसका एक विशेष महत्व होता है। दीपावली पर पूजन तो हम सब जने करते हैं, अन्य दिनों में भी करते हैं, क्योंकि किंतु दीपावली को ही क्यों विशेष बताया गया, क्योंकि वो उस दिवस की विशेषता को दर्शाता है। इसी प्रकार विजयदशमी की स्थिति का योग भी बहुत अद्भुत रूप से लाभ देता है। दूसरी गतिविधि में यदि आपके घर में क्लह क्लेश है, अशांति है, घर में बीमारियों की स्थिति से पैसा खर्च हो रहा है, सेविंग नहीं हो पा रही है, घर के ही सदस्य एक दूसरे से मनमुटावगत अवस्था में बने हुए हैं, विजयदशमी के दिन सायंकालीन समय में एक दीपक लेकर 4 बत्तियों वाला दीपक बनाए, उसमें तेल पूरित कर लें और अपने घर के अंदर उसको पूरा घुमाकर समस्त प्रकार की नकारात्मक दृष्टियों को बाहर करने की स्थिति में कि हमारे घर में जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण है, अशांति का माहौल बना हुआ है, स्वास्थ्य रूपी योग की परेशानियां हैं, इन सब को बाहर ले जाकर अपने घर के मुख्य द्वार से थोड़ा बाहर की तरफ रख दें और भगवान श्री राम से, माँ जगदम्बा से आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें कि ये चौमुखा मैंने आपके निमित्त अर्पित किया है, घर की समस्त प्रकार की
नकारात्मक दृष्टिकोण को हटाकर मेरे घर की रक्षा करने का आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए और अपना आशीर्वाद मेरे घर पर सदैव बनाए रखिए। और तीसरा ब्रह्मास्त्र उपाय है मित्रों, इसे अवश्य कीजिएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार से असफलता बार बार हाथ लग रही है, आपको लगता है कि गुप्त या उजागर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, मानसिक तनाव बना हुआ है, टेंशन डिप्रेशन से यदि आप लिप्त हैं, किसी भी कार्य के अंदर मन नहीं लग रहा है, सफलता के रास्ते नहीं देखने को मिल रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देखने को मिल रही है, कोई भी नकारात्मकता से जुड़ी गतिविधि यदि आपको फील होती है, एक नींबू अपने सीधे हाथ में लेकर इसे 11 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है और अगर संभवत रहे तो एक मंत्र का जाप उच्चारित अवश्य कीजिएगा। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। मैं आपको नीचे लिखकर भी दे दूंगा, यदि संभवत रहे तो इस मंत्र का जाप कीजिएगा, अन्यथा मानसिक रूप में हिंदी में भी ध्यान कर सकते हैं कि मेरे ऊपर समस्त प्रकार की बाधाओं का जो योग बना हुआ है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी, हे तीन लोकों की देवी, मेरी समस्त बाधाओं का शमन करें। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। जो मेरे गुप्त शत्रु भी बने हुए हैं ना, इनकी भी बुद्धि का शमन करो, इनका शमन नहीं करना, इनकी बुद्धि का शमन करो कि ये मेरे लिए मित्रवत व्यवहार की गतिविधि में बने। और ऐसा ध्यान कर अपने घर के छत के ऊपर जाकर भी आप ये प्रयोजन कर सकते हैं, अन्यथा 11 बार घुमाने के पश्चात इस नींबू को घर से बाहर की तरफ फेंक दें। ये बहुत आजमाया हुआ उपाय है जिसे आपके शरीर की नकारात्मक दृष्टिकोण आपके गुप्त उजागर शत्रुओं की स्थिति को शमन करने की स्थिति का योग बताया गया है। आप एक बार कर देखिएगा, विश्वास के साथ कीजिएगा जगदम्बा और साथ में ही भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ अवश्य रूप से बनकर आएगा। विजयदशमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।